वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। केरल में मौलाना ईपी अबूबकर कासमी के एक भाषण के बाद बवाल मच गया है। दरअसल मलयालम में इस्लामी भाषण देने वाले ईपी अबूबकर कासमी मुस्लिम होने के लाभ गिना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि मुस्लिमों को जन्नत में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इस दौरान वो यहां तक कह गए कि जन्नत में बड़े बड़े स्तनों वाली महिलाएं मिलती हैं। महिलाओं के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा के प्रयोग के बाद उनका विरोध हो रहा है। बता दें कि बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग ईपी अबूबकर कासमी के भाषण सोशल मीडिया पर सुनते हैं। खैर, मौलाना ने आगे बताया है कि जन्नत में शराब की नदियां बहती हैं और बड़े बड़े बंगलों के साथ ही बाग बगीचे भी मिलते हैं। उन्होंने दावा किया है कि अल्लाह के जन्नत में जो महिलाएं होती हैं, उन्हें ना तो पेशाब आती है और ना ही उन्हें शौच करने की कभी आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने दावा किया है कि जन्नत वाले मुस्लिमों को वहां की हूरों की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलता है। आपको बता दें कि महिला विरोधी बयानों की वजह से मौलाना भले ही विवादों में हों, मगर केरल के नेता इस पर अभी तक मौन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना ने तो यहां तक कहा कि यदि जन्नत में जाने वाले किसी मुस्लिम को बड़े बड़े स्तनों वाली महिलाओं की आवश्यकता होगी तो अल्लाह उन्हें उनकी पसंद की हूर देते हैं। जन्नत में अल्लाह ने शराब की एक नदी बना रखी है जिसमें वहां रहने वालों को तैरने की पूरी इजाजत है। वहां पर शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि अल्लाह ने ही शराब की नदी बनाई है। बताते चले कि इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है और इसे न पीने की हिदायत दी जाती है। खैर, मौलाना के इस तरह के बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। इसको लेकर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए पूछा, मौलाना ईपी अबूबकर कासमी ने कहा है कि यदि जन्नत में जाने वाले किसी मुस्लिम को बड़े बड़े स्तनों वाली महिलाओं की आवश्यकता होगी तो अल्लाह उन्हें उनकी पसंद की हूर देगा, क्या ये सच है? वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।